नमस्कार मित्रों, आप सभी का आपके अपने चैनल एस्ट्रो फ्रेंड अंशु और वंशन बेस्टीज में स्वागत है। मैं अंशु गुप्ता, एस्ट्रोलॉजर, वास्तु एक्सपर्ट, पामिस्ट एंड न्यूमरोलॉजिस्ट, आज आपको बताऊंगी कि आपकी लोशो ग्रेड के हिसाब से सरकारी नौकरी का योग है कि नहीं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और जो लोग चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर क्लिक करें जिससे आपको वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मित्रों, मेरे पिछले वीडियो में लोशो ग्रेड वाले में उसमें मिस्टर मोहित कुमार ने पूछा है कि मैम मेरी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से सरकारी नौकरी है या नहीं। तो आज हमने एग्जांपल के तौर पर उन्हीं की डेट ऑफ बर्थ ली है। मैं आपको स्टार्टिंग में थोड़ा सा लोशो ग्रेड का पहले बता दूं, वैसे मैं डिटेल वीडियो इस पर बना चुकी हूँ। ये हमारा लोशो ग्रेड है, ये 3x3 के कॉलम्स होते हैं, इनमें कुछ नंबर होते हैं जिनको हम किसी भी एंगल में ऐड करेंगे तो 15 आएगा। लोशो ग्रेड एक तरीके से लक्ष्मी यंत्र की तरह से होता है। इसमें 4923578 16 ये नंबर फिक्स हैं, इनको हम छेड़ नहीं सकते, इधर उधर नहीं कर सकते हैं। इसके अंदर हमने अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है, यानी कि अगर हमारी डेट ऑफ बर्थ में 4 है तो हमने 4 की जगह पे 4 लिखना है, 9 है तो 9 की जगह पे 9 लिखना है। ऐसे जो नंबर यहाँ पे लिखे हुए हैं और हमारी डेट ऑफ बर्थ में जो नंबर है वो हमने यहाँ पर लिखने हैं। अब सरकारी नौकरी के लिए हमने क्या देखना होता है, जो हमारे काल पुरुष की पत्री है उसके अंदर 2, 6, 10 सरकारी नौकरी के लिए हम देखते हैं, यानी कि जन्म पत्री में 2, 6, 10 सरकारी नौकरी के लिए देखा जाता है। 2 नंबर किसका है, शुक्र का, 6 नंबर बुध का, 10 नंबर शनि का और हमारा नवम भाव बृहस्पति का। ये प्लैनेट्स हमारे लिए सरकारी नौकरी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। अब यही हमारे लोशो ग्रेड में भी होने चाहिए, यानी कि जब हम अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग अपना लोशो ग्रेड बनाते हैं तो उसके अंदर ये नंबर होने चाहिए। हमारे लोशो ग्रेड में 2 नंबर 3 नंबर 5 नंबर 8 नंबर 1 नंबर और 6 नंबर, यदि ये नंबर हैं तो सरकारी नौकरी बहुत आसानी से मिल जाती है। अब मिस्टर मोहित कुमार ने पूछा है कि मेरी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट जॉब है या नहीं, तो हमने उन्हीं का डेट ऑफ बर्थ लिया है। उनका डेट ऑफ बर्थ है 31 जनवरी 1994। अब हमने इनका लोशो ग्रेड बनाया। लोशो ग्रेड में सबसे पहले 3 की जगह पर 1 की जगह पे, अगेन 1 की जगह पे, अगेन 1 की जगह पे, 9 की जगह 9, अगेन 9 की जगह 9, 4 की जगह 4, ये तो इनकी डेट ऑफ बर्थ से हमने फिल करा। अब हम इनका मूलांक और भाग्यांक भी निकालेंगे, यानी कि 3+1=4, तो इनका मूलांक आया 4, वो भी हमने लिखा 4 की जगह पे, और पूरी डेट ऑफ बर्थ को हमने जब ऐड करा तो इनका भाग्यांक आया 1, तो हमने 1 की जगह पे 1 लिखा। अब इनके लोशो ग्रेड में हमें मिल रहा है 1, 3, 4 और 9, यानी कि हमारे पास 1 भी है, सूर्य बहुत इम्पॉर्टेंट है गवर्नमेंट जॉब के लिए तो हमारे पास 1 भी है, हमारे पास 3 भी है बृहस्पति के लिए, हमारे पास 9 नंबर भी है मंगल का और हमारे पास 4 नंबर भी है, यानी कि इनकी सरकारी नौकरी का योग तो बन रहा है पर हमारे पास 5 नंबर और 8 नंबर जो शनि और बुध ये नंबर मिसिंग है, तो बहुत आसानी से जॉब का नहीं बन रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पे 5 नंबर मिसिंग है, 2 नंबर मिसिंग है, 7 नंबर मिसिंग है, 6 नंबर मिसिंग है, 8 नंबर मिसिंग है, यानी कि इस लोशो ग्रेड में जो नंबर मिस है वो चीज़ें हमें आसानी से नहीं मिल पाएंगी। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए यदि आपका लोशो ग्रेड में 5 नंबर मिस है, जैसे कि मोहित जी की पत्री में 5 नंबर मिस है, तो आपको क्या करना है, अपने घर के सेंटर में ग्रीन कलर का बल्ब जला दें या आप क्रिस्टल पहने, आपका जो घर है उसका जो सेंटर एरिया आप निकाल लीजिए, वहाँ के अंदर ग्रीन बल्ब 24 घंटे चलना चाहिए। उससे क्या है, जो ये 5 नंबर आपका मिस है उसकी क्वालिटी पूरी हो जाएगी, क्योंकि ये कम्युनिकेशन का है, आप कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे किसी से बहुत अच्छे से तो आपकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी नहीं रहेगी, 2 नंबर नहीं है तो आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, 6 नंबर नहीं है तो लग्जूरियस लाइफ नहीं रहेगी, हेल्पिंग पीपल आपको नहीं मिल पाएंगे। तो आपको अपने घर के सेंटर में ग्रीन कलर का बल्ब जलाना है या आप क्रिस्टल की माला पहन लीजिए तो आपको 5 नंबर की कमी पूरी हो जाएगी। ये मैं आपको वो उपाय बता रही हूँ जिसको करने से आपकी सरकारी नौकरी का योग बहुत जल्दी बन जाएगा।
अब आपके लोशो ग्रेड में दो नंबर भी नहीं है, यानी कि आपके अंदर पूरा फुल कॉन्फिडेंस भी नहीं है। आप कोई इंटरव्यू पे जाते तो आपको मन में ऐसा रहता है कि अरे मेरी जॉब लगेगी कि नहीं लगेगी, मेरा इंटरव्यू कैसे जाएगा। आपको जो कुछ आता भी होगा तो वहाँ आपको कॉन्फिडेंस की कमी रहेगी, तो आप भूल जाएंगे उस चीज़ को, आपको ठीक तरीके से जवाब नहीं दे पाएंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे आप, अपने कॉन्फिडेंस को फुलफिल करने के लिए आपको अपने घर के सेंटर में माउंटेन आते हैं, आप नेट से भी उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए, राउंड माउंटेन लेने हैं। उसके अंदर वाटर नहीं होना चाहिए, उसके अंदर कोई ग्रीनरी नहीं होनी चाहिए। इसको प्रिंट आउट करा लीजिए, प्रिंट आउट करके एक फ़ोटो आपने अपने घर के सेंटर में लगानी है और एक फ़ोटो अपने घर के साउथ वेस्ट में लगानी है। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे तो आपकी जो दो नंबर की कमी है वो पूरी हो जाएगी। अब जो गवर्नमेंट जॉब के लिए आठ नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पर आपके पास आठ नंबर नहीं है, तो ऐसे में क्या होगा, आप जितनी मेहनत करेंगे उसका आपको रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। तो ऐसे में आपको शनि देव की पूजा करनी है, आपको सूर्यास्त के बाद शनि मंदिर जाना है, सरसों का तेल, काले उड़द, काले तिल, ये तीनों चीज़ें लेकर शनिदेव के मंदिर में चढ़ा कर आइए, शनिदेव से प्रे करके आइए। शनिदेव की पूजा सूर्यास्त के बाद होती है। शनिदेव की पूजा कभी भी सामने से खड़े होकर नहीं करनी चाहिए, शनिदेव से कभी भी नज़रें नहीं मिलाई जाती हैं, और पूजा में आप जो भी सामग्री लेके जाते हैं वो कभी भी रिटर्न बाहर नहीं आती है। और एक चीज़ का और ध्यान रखिए आप, आजकल शनि मंदिरों में बाहर थालियाँ मिलने लगी हैं, वो थाली आपको नहीं खरीदनी है। पूजा का जो भी सामान है आपको अपने घर से ही लेके जाना है और शनिदेव की आपने पूजा करनी है। आपने अपने घर के नॉर्थ ईस्ट एरिया में क्रिस्टल अटकाने, क्रिस्टल बॉल्स आती हैं, वो आप तीन क्रिस्टल बॉल्स लीजिए और उसको अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में लटका दीजिए। ऐसे करने से आपकी जो आठ नंबर की कमी है वो पूरी हो जाएगी। अब आपकी लोशो ग्रेड के अंदर छः नंबर भी नहीं है, छः नंबर नहीं है मतलब आपको हेल्पिंग पीपल नहीं मिलेंगे, आपको मित्रों का सहयोग नहीं मिलेगा, आपको लग्जूरियस लाइफ मिलने में बहुत परेशानी आएगी, क्योंकि आपको जब अच्छी जॉब नहीं मिल पाएगी तो क्या होगा कि इनकम, सोर्स ऑफ इनकम भी अच्छे से नहीं हो पाएगा। जब सोर्स ऑफ इनकम नहीं रहेगी तो आप लग्जूरियस लाइफ नहीं जी पाएंगे। तो इस कमी को आप पूरी किस तरीके से कर पाएंगे, आपने अपने घर के नॉर्थ वेस्ट एरिया के अंदर आपने एक सिल्वर कलर की घड़ी लगानी है। अगर आपको सिल्वर कलर की घड़ी नहीं मिल रही है तो आप 5 रॉड और 6 रॉड विंड चाइम, सिल्वर कलर की दो विंड चाइम आप लगा दीजिए अपने नॉर्थ वेस्ट एरिया में। आपको ध्यान रखना है उसमें से एक रॉड 11 इंच की होनी चाहिए। आपने दो विंड चाइम लगानी है, एक में 5 रॉड होनी चाहिए, एक में 6 रॉड होनी चाहिए, और दोनों में एक एक रॉड 11 इंच की होनी चाहिए। इसको लगाएंगे तो आपका जो है ये जो नौकरी में परेशानी आएगी वो परेशानी आपकी दूर हो जाएगी। अब आपकी लोशो ग्रेड के अंदर 7 नंबर भी नहीं है, 7 नंबर नहीं है तो प्रॉफिट नहीं है, प्रॉफिट नहीं है, आपके लिंक्स अच्छे नहीं हैं, जो लोग आपको मिलते हैं वो आपका फ़ायदा उठाते हैं, आप उनसे फ़ायदा नहीं ले पा रहे हैं, आपकी क्रिएटिविटी जो है वो दूसरों को दिख नहीं पा रही है। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, आपने काले कुत्ते को दूध पिलाना है और ये आपने बुधवार से शुरू करके डेली पिलाना है। जब भी आप सुबह घर से बाहर निकल रहे हैं तो सबसे पहले आपने काले कुत्ते को दूध पिलाना है। तो ये तो जानकारी मोहित जी की आपकी पत्नी के हिसाब से सरकारी नौकरी का योग बन रहा है कि नहीं बन रहा है। और जो लोग सरकारी नौकरी चाहते हैं वो लोशो ग्रेड को में अपनी डेट ऑफ बर्थ फिट करके देख सकते हैं कि उनकी गवर्नमेंट जॉब का योग बन रहा है कि नहीं बन रहा है। मैं आपको छोटे छोटे योग और बता देती हूँ, उसमें यदि आपके लोशो ग्रेड में 8 नंबर, 1 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर, यानी कि 8, 1, 5 और 6, ये चारों नंबर आते हैं तो आपकी बैंकिंग लाइन होगी, यानी कि आप बैंक में जॉब करेंगे, गवर्नमेंट जॉब होगी, बैंक में होगी। आपकी लोशो ग्रेड में यदि 9 नंबर, 8 नंबर, 1 नंबर और 3 नंबर, ये चारों नंबर आते हैं तो आप इंजीनियरिंग में जॉब करेंगे, यानी इंजीनियरिंग लाइन होगी आपकी। आपके लोशो ग्रेड में यदि 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 8 नंबर, ये चारों नंबर है तो आपकी सरकारी जॉब ज़रूर होगी, गवर्नमेंट जॉब आपकी ज़रूर लगेगी। और यदि आपके लोशो ग्रेड में 4, 3, 8, 1 और 6 ये नंबर हैं तो आपकी आईएएस ऑफिसर आप बनेंगे, आप आईएएस ऑफिसर की जॉब कर सकते हैं। साथ ही अगर आपकी लोशो ग्रेड में 2, 5, 8, यानी कि 2, 5, 8 के साथ 8 नंबर और 8 नंबर और 1 नंबर डबल है, यानी कि 8, 8 और 1, 1 ये है तो आपकी 100% आईएएस ऑफिसर की जॉब लगेगी। तो मित्रों यह थी जानकारी कि आप लोशो ग्रेड से, यानी कि अपनी डेट ऑफ बर्थ से खुद देख सकते हैं कि आपकी गवर्नमेंट जॉब लगेगी
कि नहीं। तो यह थी जानकारी नौकरी गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें जिससे कि और लोग भी अपनी डेट ऑफ बर्थ से देख सकें कि उनकी गवर्नमेंट जॉब लगेगी कि नहीं लगेगी। किसी विषय पर जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। मेरे दोनों चैनल एस्ट्रो फ्रेंड अंशु और वंश एंड बेस्टीज को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें। जय माता दी, आपका दिन शुभ हो।